अमेरिका से एक मिशनरी को भारत लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बनाने के लिए भेजा गया। इस मिशनरी का नाम था सैमुअल इवान स्टोक्स, जो 1904 में भारत आया और शिमला में रहकर लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान हिमाचल में प्लेग की जानलेवा बीमारी फैल गई, जो कोरोना की तरह ही छुआछूत से फैलती थी। ऐसे में शिमला में एक समाज सेवी थे जिनका नाम था पंडित रुलियाराम। वो निस्वार्थ भाव से बिना अपनी जान की परवाह किए लवारिस पड़े लोगों की सेवा कर रहे थे। इसे देखकर सैमुअल स्टोक्स का हृदय परिवर्तन हो गया और उसे यह एहसास हुआ कि सेवा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करना एक षड्यंत्र है, जबकि असली सेवा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना है। और भारत को ईसाई देश बनाने आए इस मिशनरी ने हिंदू धर्म अपनाया और अपने आप को पूरी तरह सनातन संस्कृति में ढाल लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम बदलकर सत्यानंद स्टोक्स रख लिया और स्वतंत्रता सेनानी बनकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हिमाचल में उन्हें सेब की खेती का जनक भी माना जाता है। इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म को कभी भी किसी पर थोपा नहीं गया, ना तो तलवार के जोर पर, ना ही लालच और षड्यंत्र के जोर पर।